हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इसी YouTube चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिस्ट्रीब्यूटेड फ़ोन में ईमेल आईडी कैसे बनाएं बहुत ही इजी तरीके से। अगर आपके फ़ोन में भी ईमेल आईडी नहीं बन पा रही है तो कैसे बनाना है पूरा प्रोसेस बताऊँगा आज के इस वीडियो में। मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे योगी मोदी की तस्वीर लगी हुई है और यहाँ पर देखिए बैक साइड करता हूँ तो कुछ इस तरीके का है ये फ़ोन। ठीक है, अब ये फ़ोन है तो अब आगे का प्रोसेस क्या वो समझेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें, ये फ़ोन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, जैसे ही हम प्ले स्टोर को खोलेंगे तो प्ले स्टोर तो खुलता नहीं और बस यही दो तीन ऐप्स हैं जो कि चलती हैं। ठीक है, और आगे मैं और भी सारी चीज़ें बताऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो, अगर अच्छा ना लगे तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए मैं आपको बता दूं प्रोसीजर क्या है, कैसे इसमें ईमेल आईडी बनानी है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहां से चाहते हैं कि प्ले स्टोर के माध्यम से आईडी बनाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे, यहां पे देखिए इस पर क्लिक करेंगे, यहां पे मैनेज ऐप्स वाला ऑप्शन है, यहां पे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद, मैनेज अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ऐड अकाउंट का ऑप्शन हम एक तरीके से और जा सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे, उसके बाद आपसे देखना और बताना। ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्क ईमेल बता रहा है, फॉरगेट ईमेल बता रहा है, लेकिन कोई क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है। ठीक है, समझ लीजिएगा, गूगल क्रोम पे जाना है अपने इसी फ़ोन में, यूज विदाउट अकाउंट एंड, ठीक है, गॉट इट। और यहाँ पे लिखना है क्रिएट गूगल अकाउंट। जैसे ये सर्च करेंगे आपको, या ऊपर से स्लाइड डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 नंबर पे लिखा हुआ है account.google.co.in। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन खुलकर आ जाएगा कुछ इस तरीके के, जो कि है ये, ठीक है, क्रिएट अकाउंट का। तो ये क्रिएट अकाउंट का ही ऑप्शन नहीं आ रहा था, आप चाहें तो यहाँ पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर चले जाएंगे, पर्सनल के लिए बनाना है चाहे तो पर्सनल बनाइए, उसके बाद आपको अपने रैंडमली कुछ भी आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लेना है। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर आपके पास यहाँ से नहीं समझ आ रहा है तो आपको एक दूसरा कोई भी फ़ोन ले लेना, ठीक है। मान लीजिए यही मेरे पास फ़ोन है इन्फिनिक्स का, देख लीजिए इन्फिनिक्स का, ज़रूरी नहीं है कि वो सैमसंग का ही हो। आप या तो यहाँ से प्ले स्टोर खोलें उसकी, अगर उसके फ़ोन में ईमेल आईडी बनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से एक ईमेल आईडी बनाने का प्रोसेस है, समझिएगा, यहाँ से प्रोसेस है, मैं बता बनाकर आपको वही ईमेल आईडी इसमें साइन इन करके दिखाता हूँ। ठीक है, रैंडमली उसके बाद वो ईमेल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, चेकिंग इन्फो आ रहा है, सॉरी एक्चुअली वाईफाई का इशू है, तो मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। देखिए वाईफाई कनेक्ट हो चुका है, देन अगेन आप देख पा रहे होंगे चेकिंग इन्फो आ गया है, बस एक बार फिर से करेंगे साइन इन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे हम चेकिंग इन्फो पे क्लिक करते हैं, थोड़ी सी देर में आपके सामने ऑप्शन आ जाता है और आप चेक कर पाएंगे या फिर आप अपनी ईमेल आईडी को क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पे साइड में रख देता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हम। तो सिंपली यहाँ पर चले जाना है, लिखना है कुछ भी, जैसा कि मैं लिख देता हूँ राहुल, ठीक है, राहुल मैंने लिख दिया और कुछ भी डाल दिया, राहुल इंडिया। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर हो सकता है, लेकिन दूसरे फ़ोन में जब आप क्रिएट करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ओके पे क्लिक कर दिया मैंने, कुछ भी मैंने रैंडमली बना दिया, मान लीजिए मेरा नाम राहुल है तो राहुल सर्च कर दिया मैंने, उसके बाद कुमार या भी जो भी कुछ है, ऑफिशियल ऑफिशियल और इंडिया, ठीक है, ये सर्च कर दिया मैंने, राहुल कुमार ऑफिशियल इंडिया, इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे सिलेक्ट जो भी मन मर्जी अपने से, अपना जो भी
आपका मन करता है कि जो भी सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अगर इसको पर सॉरी दोस्तों वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे मैं अपना मेल सेलेक्ट कर लूँगा, जेंडर, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और सिंपली थोड़ी ही देर में इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। मैं राहुल कुमार ऑफिशियल इंडिया को क्लिक सेलेक्ट करके जो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिखेगी तो दिखेगी, वरना आप क्रिएट योर ऑन पे क्लिक करके अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे कुछ भी मैं डाल देता हूँ, जैसे कि आप अपने हिसाब से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालिएगा क्योंकि ये डिलीट हो जाएगी। इस तरीके से मैंने एक आईडी बना ली, ठीक है। अब इस तरीके से क्लिक करते ही आप यहाँ पे चले जाएंगे, यस आई मीन पे क्लिक करें, देखिए यहाँ पे आईडी बना है राहुल कुमार ऑफिशियल इंडिया, इस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये ईमेल आईडी इसमें जैसे ही लॉगिन हो जाएगी, एग्री पे क्लिक कर दें, ये वाली ईमेल आईडी आपको बस क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप क्रिएट कर लेते हैं और अगर आप इसमें क्लिक करें, इस जो आपका फ़ोन योगी वाला है, योगी मोदी वाला, उसमें अगर आप करेंगे तो आप में प्रॉब्लम क्या आएगी, आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा बार बार, ठीक है, तो ओटीपी का झंझट होगा। लेकिन इसमें देखिए आपने बिना ओटीपी के बनाया है, इस वजह से मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिंपली अब हमारे पास ईमेल हो चुका है, तो हम यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद अब यहाँ से आपको ऑप्शन दिख जाएगा अकाउंट एंड बैकअप का, अकाउंट एंड बैकअप पे क्लिक करेंगे, मैनेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन बहुत सारा है, आपको गूगल पे क्लिक कर देना है। गूगल पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे मैं प्ले स्टोर खोल लेता हूँ। आईडी आपको याद ही होगी, नहीं हो तो यहाँ से देख लीजिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ राहुल कुमार ऑफिशियल इंडिया, ऐसे ही मैंने क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। @gmail.com लगाना ही ज़रूरी नहीं है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी पासवर्ड है आपने चूज़ करा था उसको एंटर कर दीजिए, ठीक है, एंड जस्ट इट। देख लीजिए मैंने ये कर दिया और मैंने पासवर्ड जैसे ही एंटर करा इसमें लॉगिन हो चुका हूँ मैं। सिंपली यहाँ से स्क्रॉल करूँगा, यस आई मीन पे क्लिक कर दूंगा और इस वाली ईमेल आईडी की अब ज़रूरत खत्म हुई, इस फ़ोन की भी ज़रूरत खत्म हो चुकी है। सिंपली यहाँ पे डोंट टर्न ऑन पे क्लिक कर दीजिए और ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। तो अब आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि कैसे आप अपने गवर्नमेंट फ़ोन जो डिस्ट्रीब्यूट किए उसमें कैसे ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए आपकी ईमेल आईडी आ चुकी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो यूज करने का प्रोसेस सिंपली यहाँ पर चले जाएगा, आपको यहाँ पर सिंपली प्ले स्टोर पर चले जाना है, ठीक है। अभी भी आपको नहीं मिल रही ना, आपको नहीं मिल रही ना, सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके जो आपने ईमेल आईडी बनाई होगी उस पर क्लिक कर दीजिए, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से आप जो मर्जी वो डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।